सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फूबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम आरएसी का, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन हम पहले ही दे चुके हैं, तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे करना। तो हमने गाइस जैसे कि बताया था कि हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और जो वेपर रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उसको हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस थोड़ा सा बेसिक से हम चलेंगे। वैसे तो जो हमारा ये टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये बहुत बड़ी टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कम्प्लीट ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी लेवल की जो तैयारी करते हैं वो तो करते ही कम्प्लीट, ठीक है। बट हमें एसएससी जेई की बात किया जाए, ठीक है, या फिर कोई भी टेक्निकल जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम की बात किया जाए, आरआरबी जेई की बात कर ले, एसएससी जेई की बात करें, कोल इंडिया की बात कर लें, ठीक है, इसरो की बात कर लें, तो बहुत लेंदी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वही हम वो सब क्वेश्चन आपके पास सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। बहुत डीप में मैं कोशिश करूंगा, बहुत डीप में ना जाऊं क्योंकि आप भी बोर होने लगोगे। और जैसे कि मैं आपको कहा हूं कि सिर्फ दो लेक्चर में हम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीआईएल, ये सब जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं या फिर फ्यूचर में जब भी आएंगे, ठीक है, तो सिर्फ दो लेक्चर में आरएसी को हमें खत्म करना है। और हमें कोशिश करना है कि हर वो टॉपिक हम पढ़ें, हर वो टॉपिक पढ़ें जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देखो गाइस, अभी एक नॉर्मल हिंट दे रहा हूं। अभी कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर क्या करता है, ये आपके अपना फ्रिज वगैरह देख लो, एसी में देख लो, तो फ्रिज के लास्ट, जैसे ये फ्रिज है, यहाँ लास्ट में आपको ऐसा कुछ दिखता है ना, इस तरीके का, यही है हमारा कंप्रेसर, जिसमें हम अपने एक लिक्विड रखते हैं। पहले हम क्लोरो फ्लोरो यूज करते थे, सीएफसी बोलते थे ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन का यूज करते थे, फिर हम R22 यूज करने लगे। इस तरीके से हम डेवलप करते गए ताकि हमारा कम से कम जो गैसेस निकलता है इससे, जब ये काम करता है रेफ्रिजरेटर वगैरह, क्लोरो फ्लोरो कार्बन जो गैसेस वगैरह निकलती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम R22, अमोनिया, ये सब यूज करने लगे थे, ठीक है। उससे पहले, यहाँ तक पहुंचने से पहले गाइस, हम एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम बनाए। सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ एयर हम अपने कमरे की रेफ्रिजरेशन स्टार्ट किए। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है गाइस, अपने कमरे को आपको ठंडा रखना है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो टेम्परेचर अगर आप पर्टिकुलर मेंटेन करके रखना है तो कंटिन्यूअसली वहां से आपको जो भी उसके हॉट एयर्स है उसको बाहर फेंकना होगा, है ना। और आप जितना ज्यादा हॉट एयर को बाहर फेंकोगे अपने कमरे से, वो कमरा उतना ठंडा होता जाएगा। और एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर फिर आप थोड़ी देर के लिए आप देखते हो कट ऑफ होता है, फ्रिज कुछ देर तक काम करता है फिर कट ऑफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद चालू होता है कट ऑफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं निकाल के फेंकते जाओ अंदर बर्फ जम जाए, ऐसा नहीं करना है हमें ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम का। अब अपन एक शॉर्ट डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं कि ये हमारा सर्किट काम कैसे करता है। उसके बाद हम इसके थोड़े से डीमेरिट्स वगैरह देखेंगे और कुछ और भी टॉपिक्स हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फ्रिज बनाते हैं, ठीक है, ये जहां पे हम अपने फ्रूट्स वगैरह रखेंगे, ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स वगैरह जो भी हम ये चीजें यहाँ पे रखते हैं, क्लियर है गाइस। उसके बाद यहां से जो भी गैसेस हमारी फ्लूइड निकल के आती है वो जाती है किसमें, कंप्रेसर में, वो जाती है कंप्रेसर में, कंप्रेस होती है गैस ताकि उसका प्रेशर बढ़े। और प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो हीट एक्सचेंज का प्रोसेस है, जो फ्लूइड से हीट इजिली एक्सचेंज हो जाता है, हीट एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है जब प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं। दिस इज कंप्रेसर, ठीक है, इस कंप्रेसर में जाता है। इस कंप्रेसर के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कंडेंसर, ठीक है, कुछ इस तरीके का, मैं इसको दूसरे उससे बनाता हूँ। ये सब चीजें आपको गाइस पता होगा क्योंकि आप पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हो, बट एक बेसिक नॉलेज देकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ ताकि जो बच्चे नए हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है इसके बारे में उनको भी ये सब चीजें पता हो, ठीक है। ये गया और यहाँ से निकला, तो ये जो गाइस है यहाँ पे हमारा ठंडा होता है, इसको हम एयर कूलिंग की हेल्प से भी ठंडा करते हैं या फिर आप कोई फ्लूइड या लिक्विड के हेल्प से भी आप इसको ठंडा कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे गैसेस निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, कंडेंसर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं एक एक्सपेंशन,
एक एक्सपेंशन यूज करते हैं जिससे हमारे लिक्विड की जो भी फ्लूइड उसकी प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने से कारण क्या होता है, ये इजिली प्रेशर फ्लूइड की प्रेशर कम होने के कारण ये इजिली अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है, और प्रेशर ज्यादा होने के कारण अपने अंदर से हीट इजिली बाहर निकालता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या फिर थ्रॉटलिंग भी कह सकते हो, और ये हमारा हो गया इवापोरेटर, ठीक है। इवापोरेटर अब इसको आप चाहो तो कैसे भी मार्क कर सकते हो गाइस। देखना यहां पे और यहां पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होगा इवापोरेटर में भी और हमारा कंडेंसर में भी प्रेशर कांस्टेंट होगा। एक्सपेंशन में प्रेशर कम होता है, मतलब हमारी जो फ्लूइड है वो ठंडी हो रही है, क्लियर है, वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर हीट, ठीक है। और यहाँ पे कंप्रेसर में प्रेशर ज्यादा होने के कारण बॉडी क्या करती है, इजिली हीट को अपने अंदर से निकालने में रेडी रहती है, मतलब कम मेहनत में हीट हमारी निकलने लगती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक प्रोसेस काम करता है, ठीक है। अभी नहीं ऐसा हो लग रहा हो कुछ लोग की यार समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करो, अपन और थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे इसमें। अब देखो मैं बोलता हूं दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू। हमने कंप्रेसर में कोई भी गैसेस लिक्विड लिया, या हम अमोनिया ले लिया, या फिर हमने कोई, चलो एयर ही, अभी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एयर से रिलेटेड ही हम बातें करते हैं। हमने एयर लिया, इसमें हमने एयर रखा है, ठीक है, दिस इज एयर। अभी हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी हम एयर से शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे जब वेपर की बात करेंगे तब वहां पहुंचेंगे। तो हुआ क्या, यहां से जो कोल्ड एयर है यहां पे एंटर हुई इवापोरेटर में, जब वो एंटर होगी तो इसमें जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह रखी हैं उसकी हीट क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी वो एयर, अब क्योंकि वो ठंडा है। और हम जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी की बात करें तो हमेशा हायर टू लोअर मूव करती है ना, हायर टू लोअर हमेशा एनर्जी, हायर डिग्री टू लोअर डिग्री हमेशा एनर्जी मूव करती है। तो यहाँ पे हायर टेम्परेचर किसका है, क्योंकि ये तो हमारा ठंडा एयर है, हायर टेम्परेचर हमारे जो अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं उसका है, ठीक है, उसका हायर टेम्परेचर है। तो इस बॉडी में से सारी की सारी जो हीट है वो कौन ले लेगा, कोल्ड एयर लेगा और फिर बाहर निकल जाएगा, नंबर टू पे बाहर निकल जाएगा। अब जो वो हीट उसने लिया, वो एयर जो कोल्ड एयर है, हीट लेने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्लियर, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद वो आता है कंप्रेसर में और यहाँ पे वो कंप्रेस होता है, ठीक है, वो कंप्रेस होता है जिसके कारण उसकी प्रेशर बढ़ती है, और प्रेशर बढ़ने इसलिए बढ़ाते हैं हम यहाँ पे ताकि इस और अच्छी तरीके से पूरी की पूरी हीट वो अपने बॉडी से निकाल ले ताकि वो फिर से काम कर सके। अगर हीट रह गया गाइस, अच्छे से हीट उस एयर से नहीं निकला तो फिर यहाँ पे कैसे काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी कम नहीं हो जाएगी, फिर वो जो एयर है, गर्म एयर जो है वो आ जाएगा इसमें कंडेंसर में, विद द हेल्प ऑफ एयर कूलिंग, विद द हेल्प ऑफ वाटर कूलिंग, हम कंडेंसर में ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा एयर, और आसपास जो भी हवा लग रहा हो, चाहे वाटर की आप ड्रॉपलेट वाटर स्प्रे डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है, एयर हमारा होता है ठंडा बट एट प्रेशर कॉन्स्टेंट पे एयर ठंडा होता है, और एयर फिर आता है एक्सपेंशन में, और एक्सपेंशन में आने के बाद फिर यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर ड्रॉप होने लगता है, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है ना, थ्रॉटलिंग हो रहा है, इसको भी हम थ्रॉटलिंग भी कहते हैं, थ्रॉटलिंग हो रहा है, तो प्रेशर कम होने के कारण थ्रॉटलिंग होने के कारण प्रेशर कम होगा, ठीक। और यहाँ पे थ्रॉटलिंग हो रहा है तो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले थर्मोडायनेमिक में पढ़ा था कि थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होती है, पढ़ा था ना, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, तो प्रेशर ड्रॉप हुआ, एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो जो फ्लूइड है उसकी टेम्परेचर, जो एयर है उसका टेम्परेचर कम होगा, और फिर जो यहाँ से निकलता है वो कोल्ड एयर निकलता है, और फिर वो इवापोरेटर में जाता है, इसकी हीट लेता है फ्रूट्स का, और फिर यहाँ से बाहर निकलता है, और इस तरीके से पूरी की पूरी ये सर्कल हमारी चलती रहती है, ठीक है। बट जो एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम की बात करें तो उसको हमने अपने घर में कभी यूज नहीं किया, मतलब हमने रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं किया। जनरली जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये हम एरोप्लेन्स वगैरह में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसकी डिमेरिट्स वगैरह क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल जो मैंने आपको बताया है एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से प्रोसेस है हमारा
रेफ्रिजरेटर सिस्टम काम करता है। बट गाइस ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये एक्चुअल नहीं है, ये बहुत बेस्ट है। अगर मैं यही आपको वेपर रेफ्रिजरेटर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत बेस्ट डायग्राम है आपको वेपर रेफ्रिजरेटर सिस्टम समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम जो फ्लूइड एयर नहीं यूज करते, वहाँ पे हम फ्लूइड के जगह पे अमोनिया या R22 या R23 ये सब चीजें यूज करते हैं, ठीक है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एरोप्लेन में इस चीजों को यूज करती है। तो गाइस एक आर्क आपको मैं बनाकर बताऊंगा कैसे एरोप्लेन में हमारा काम करता है ये सब, ठीक है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे एयर हमारा एज अ रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है, रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस इस पूरे को अभी मान लो कि ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक वर्क है और जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है वो क्या रेफ्रिजरेंट है, एयर। तो गाइस ये चीज आपको वर्ड ध्यान दें, रेफ्रिजरेशन ये पूरा क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इस एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपका रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज कर रहे हो, रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप, तो बोलोगे आप एयर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं पूछूंगा कि आपने वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपने कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया, तो आप बताओगे कि R22 यूज किया है या फिर हमने अमोनिया यूज किया है, इस तरीके से। तो क्या होता है रेफ्रिजरेंट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसी को हमने देखा था अब थर्मोडायनेमिक में, अभी जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़े थे ये था हमारा सोर्स, ठीक है, ये हमारा मशीन हो गया। अभी इसको मैं रेफ्रिजरेटर लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि ये जो मैंने इतना चीजें बनाई थी ना वो इतने के अंदर है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो गया, ये हमारा सिंक हो गया, ये हो गया हमारा सिंक, ठीक है। इसका टेम्परेचर T2, दिस इज टेम्परेचर T1। हम रेफ्रिजरेटर में वर्क देते हैं, रेफ्रिजरेटर में वर्क हम देते हैं, एनर्जी मतलब पावर देंगे तब तो काम करेगा। तो वो जो सिंक है ये आप मान लो ये आपका रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो इसमें से हीट निकलना स्टार्ट होता है, मतलब Q2 है, Q2 हीट निकलना स्टार्ट होता है और सोर्स एटमॉस्फेयर में बाहर की ओर आपके रूम से बाहर जाके निकलता है ना, तो वही सोर्स हुआ, एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम उसको ब्लॉक डायग्राम में भी बता सकते हैं। फिर हम जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो अब थर्मोडायनेमिक में हमने जस्ट पढ़ाई था, इसीलिए मैं थर्मो को कनेक्ट किया हूं आपको आरएसी से ताकि आप चीजों को भूलो मत। हम रेफ्रिजरेशन में सीओपी निकालते हैं ना कि एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका रीजन अगर जानना है तो थर्मोडायनेमिक की चीजें आप पढ़ें, ठीक है। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात किया जाए तो जनरली आप लोग एफिशिएंसी की जब भी मैं बात करता हूं तो क्या कहते हो कि इनपुट अपॉन आउटपुट, ये कहते हैं ना। तो मैं कहता हूं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना हो, एफिशिएंसी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, एक लाइन खींचो, लाइन के नीचे, ठीक है, आप क्या दे रहे हो, वर्क दे रहे हो, तो नीचे लिखो कि आप वर्क, यहां पे वर्क दे रहे हो, तो वर्क देने से आपका डिजायर क्या है, क्या चाहिए आपको यहां पे, ठीक है, आपको चाहिए क्या इस प्रोसेस में। हम चाहते हैं कि मेरा रूम ठंडा हो, तो ये जो क्या निकल रहा है, ठंडा होने के लिए Q2 बाहर निकालना होगा, तो हमें Q2 चाहिए, Q2 बाहर निकलता हुआ चाहिए, क्यों, बिकॉज हम वर्क दे रहे हैं, यही फॉर्मूला हो गया हमारा रेफ्रिजरेशन का, ठीक है, Q2 अपॉन वर्क डन, इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब भाई ये वर्क डन क्या है, वर्क डन देखो इसको मान लो एक सिस्टम, ये हमारा एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में ध्यान से देखो वर्क भी अंदर की ओर आ रहा है, Q2 भी अंदर की ओर आ रहा है और Q1 बेचारा बाहर निकल रहा है, तो इसको लिख देते हैं वर्क भी अंदर की ओर आ रहा है, Q2 भी अंदर की ओर आ रहा है, इसलिए प्लस में लिखा, ठीक है, और Q1 बाहर जा रहा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बना दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क प्लस Q2 is equal to Q1 और यहां से वर्क की आ जाएगा Q1 minus Q2। अब इस वर्क की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, कर दो पुट यहां पे Q1 minus Q2, ठीक है। अब इसी को, ये तो हमारा रेफ्रिजरेटर हीट के टर्म में हो गया और यही हम टेम्परेचर के टर्म में, टेम्परेचर के रेफरेंस में अगर पढ़ा जाए तो T2 upon T1 minus T2, Q2 T2, Q1 T1, Q2 T2, टेम्परेचर के टर्म में इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर का COP हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ये चीज आपको माइंड में रखना ही रखना है, क्लियर है। तो इसका किसी भी रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आया, सीओपी निकाला इस तरीके से, अगर आपके पास हीट Q1 Q2 की वैल्यू है तो आप ये फुट करके निकाल लो, अगर Q1 Q2 की वैल्यू नहीं है, अगर आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पता है तो ये फॉर्मूला फुट करके आप आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो हम इसकी मेरिट्स डीमेरिट के बारे में पढ़ेंगे। मेरिट, सबसे पहले मेरिट के बारे में पढ़ लेते हैं,
काफी सारे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला मेरिट है कि ये नॉन फ्लेमेबल होता है, ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, नॉन फ्लेमेबल होता है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा रीजन है गाइस इसका कि ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, ये इजिली अवेलेबल है इसलिए भी आप इसका यूज करते हो। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा कोई कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता है, बट हाँ कैप्चर करने के लिए थोड़ा बहुत लगता है, बट इसको लिख सकता है लो कॉस्ट। ठीक है, थर्ड इसकी मेरिट है इसकी जो वेट रेशियो है गाइस ये लो होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे रेफ्रिजरेंट की बात करें, ठीक है, दूसरे रेफ्रिजरेंट की बात करें तो इसका वेट बहुत कम होता है एयर का। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज एयरक्राफ्ट में करते हैं, एयरक्राफ्ट में इसलिए इसका यूज करते हैं। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है जो लीकेज वगैरह होता है, लीकेज ऑफ एयर इज स्मॉल अमाउंट इज टॉलरेबल। लीकेज जो होता है, लीकेज कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लीकेज हो भी जाता है और वैसे भी एयर है, थोड़ा बहुत लीकेज हो भी जाएगा तो हमारे लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही हमारा अगर रेफ्रिजरेंट वेपर रेफ्रिजरेंट सिस्टम पर वहां पे अमोनिया लीकेज हो रहा हो या फिर कोई और R22 लीकेज हो रहा हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, काफी एक तो पैसा भी हमारा लॉस्ट हो रहा है, आग वाग लगने का, फ्लेमेबल होते हैं सब गैसेस, आग वाग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लास्ट होने का खतरा हो जाता है। तो एयर में, एयर रेफ्रिजरेशन में यही कुछ मेरिट्स है गाइस जिसके कारण हम इसका यूज एयरक्राफ्ट में कर लेते हैं और बाकी कहीं पे यूज नहीं होता है एयर रेफ्रिजरेशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, डिमेरिट की बात किया जाए, डिमेरिट की बात किया जाए, डिमेरिट इसका यही है गाइस कि इसकी जो कोफिशियंट है लो सीओपी। एयर है ना गाइस, कितना अंदर, अपने अंदर एयर की एक लिमिट है। ठीक है, वो ज्यादा एयर अपने अंदर ले भी, ज्यादा हीट अपने अंदर ले भी नहीं सकता भाई, नॉर्मल एयर है उसकी इतनी लिमिट है, और ज्यादा एयर, ज्यादा वो ठंडा भी नहीं हो सकता, ज्यादा हीट भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो भाई एक तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो एयर एज अ रेफ्रिजरेंट हम एयर यूज कर रहे हैं तो उसकी सीओपी होती है कम। क्लियर है। तो भाई सीओपी कम होती है तभी तो हमने दूसरे रेफ्रिजरेंट की खोज की, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ठंडा हो सके, ज्यादा से ज्यादा हीट निकाल सके, हीट ले सके अपने अंदर, ज्यादा हीट ले सके और ज्यादा हीट निकाल सके, है ना। इसलिए हमने आगे खोज किया नए नए रेफ्रिजरेंट का, नहीं तो हम एयर को यूज नहीं करते। एयर का सीओपी कम होने के कारण ये हमारा एक डिमेरिट्स हो जाता है। और दूसरा कि इसकी स्पेस, स्पेस की बात करें, इसको स्टोरिंग स्पेस की बात करें जाए तो गाइस आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर चाहिए होता है इसके कारण आपके पास जो स्पेस जो बनाओगे, जैसे कि अब पहले क्या, अभी जो फ्रिज वगैरह में देखते हो छोटा सा कंप्रेसर होता है आपका, भाई पूरा फ्रिज को एकदम अच्छा खासा ठंडा कर देता है। आपका एसी है, इतने बड़े रूम को इतना छोटा कंप्रेसर के अंदर इतनी सी लिक्विड है वो पूरे रूम को एकदम ठंडा कर देती है। और वही अगर उसकी जगह पे आपको एयर का यूज करना हो तो क्या पता इस कमरे के बराबर आपको एक कंप्रेसर बनाना पड़ेगा जिसमें एयर स्टोर करोगे फिर काम करेगा, है ना। तो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा लगता है इसके कारण इसका यूज हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। क्लियर है। तो मेरिट डिमेरिट हमने एयर रेफ्रिजरेशन का देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस अब हम रेफ्रिजरेटर के इतने चीजें हम जान चुके हैं, बट हम एक चीज, जैसे जनरली जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो तो आप टन की बात करते हो, टन। ठीक है, पूछता है दुकान वाला कि भाई कितने टन का रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो आप बोलते हो कि एक टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, क्या है एक टन। ठीक है, ये दो टन होते हैं, एक ये वाले भी टन होते हैं। ठीक है, तो ये टन नहीं समझना, इस टन का मतलब होता है आपका 1000 kg। ठीक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर में ये टन यूज नहीं होता, ये टन है। ठीक है, जिसमें हम 1200 BTU बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ये टन की बात कर रहे हैं। तो जनरली गाइस वन टन में 3.5 kW होता है। ठीक है, एक टन में 3.5 kW होता है हमारा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 kW। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 TR इज इक्वल टू 3.5 kW। ठीक है, तो 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेटर इट मींस इज इक्वल टू 3.5 kW। और अगर आप जूल में बात किया जाए तो इसको इस तरह भी लिखते हैं, 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 50 kcal/m।
ये भी एक यूनिट है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज ये कि 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चंस पूछ देते हैं और काफी बार पूछता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है गाइज। ठीक है, और एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, एक फॉर्मूला है आपको याद कर लेना है, बहुत सिंपल है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम टाइम पे पूछा नहीं जाता। जैसे अगर आपको पता हो कि आपकी आपका जो रूम है उस रूम की आपको लेंथ, ठीक है, वेट और हाइट आपको पता हो। ठीक है, लेंथ वेट और हाइट तो मैं लिख देता हूँ, लेंथ लिख देता हूँ मैं 13, ठीक है, विड्थ लिख देता हूँ मैं 16 और हाइट लिख देता हूँ मैं 12। ओके, और मैं पूछूं आपसे कि बताओ इस जो रूम का जो डायमेंशन में दिया हूं, इस रूम में आपको जो भी आप एसी खरीदने जा रहे हो तो उसकी कितने टन का एसी सही तरीके से काम करेगा, है ना, सही तरीके से कितने टन का एसी काम करेगा। क्योंकि अगर आप कम लोगे तो आपका रूम अच्छे से ठंडा नहीं होगा, ज्यादा ले लोगे तो आप बर्फ जमने लग जाएगी रूम में। तो आप कितने टन का एसी आपके इस जो डायमेंशन के रूम में काम करेगा, तो इसके लिए गाइस फॉर्मूला है कि टन निकालना है इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका ये हाउस है अपॉन 10। क्लियर है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, डेट इज एल इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम निकालोगे तो इसका 2496 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 2496 का क्यूब पुट करो अपॉन 10 तो आपका जो आंसर आएगा 1.35 आएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे 1.5 टन का एसी लेते हो, 1.5 टन का एसी लेते हो तो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, इस कमरे में आप आसानी से यूज करते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। बट गाइस सिर्फ ये फैक्टर नहीं है ये, अगर आपने सिंपल अगर आपको समझना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि भाई इस रूम के लिए कितना लगेगा, तो आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट निकाल लोगे। बट गाइस हमें और भी फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे आपका रूम खाली तो है नहीं, ये जो मैंने डायमेंशन दिया ये रूम पूरा खाली है। ठीक है, उसका मैंने बताया कि इतने टन से काम चल जाएगा। ठीक है, बट अब उस कमरे में कितने लोग हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, उस कमरे में कितने सामान आपने रखा है, किस टाइप का सामान रखा है, कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, वॉल की थिकनेस कितनी है, हीट कितनी एक्सचेंज हो रही है, ये सब चीजें पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग जनरली अगर इस तरीके से आपका आंसर 1.5 टन के आसपास आ रहा है, ठीक है, 1.35 टन एक्चुअल में आंसर आ रहा था, तो 1.5 टन हमने ले लिया, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गेस करके आप किसी भी कमरे का, जब भी आप एसी खरीदने वगैरह जाओ तो आप इस कॉन्सेप्ट से काम कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एक नॉलेज था, ऐसे आता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अगला टॉपिक, कौन कौन से पार्ट होते हैं रेफ्रिजरेटर में, हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कंप्रेसर, दूसरा हमने देखा था कंप्रेसर में जस्ट यहां क्या था, कंडेंसर था, कंडेंसर। थर्ड हमने देखा था एक्सपेंशन वाल्व या एक्सपेंशन, और लास्ट में होता है इवापोरेटर। तो यही गाइस किसी भी रेफ्रिजरेटर का मेजर पार्ट्स होते हैं। ओके, एक्सपेंशन जो होता है इसी को हम लोग गाइस थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा था, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, एंथैल्पी कांस्टेंट है तो इसको आइसेंथैल्पिक भी कहते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको। क्लियर है, ये चीज आपको माइंड में रखना है। अब गाइस हम आपको छोटा सा जो फिगर में पहले स्टार्टिंग में जो फिगर बनाया था ना, उसी फिगर पे एक बेसिक दे रहा हूं कि ताकि अगर एकाक न्यूमेरिकल आए तो आप फंस ना जाओ। मैं यहाँ पे छोटा सा बनाऊंगा, ये था हमारा इवापोरेटर, ये था हमारा कंप्रेसर, ये था हमारा कंडेंसर, ये था हमारा एक्सपेंशन वाल्व। क्लियर, इस तरीके से हमारा पूरा ये काम करता है। ओके, नाउ मैं पॉइंट दे रहा हूं, दिस इज पॉइंट वन, दिस इज पॉइंट टू, दिस इज पॉइंट थ्री, दिस इज पॉइंट फोर। वन से टू क्या हो रहा है, टू से थ्री क्या हो रहा है, थ्री से फोर क्या हो रहा है, फोर से वन क्या हो रहा है, हम इसको देखने वाले हैं। ओके गाइस, इसका इसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे, एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले पीवी डायग्राम के बारे में देखते हैं, पीवी डायग्राम जो बनता है इसका कुछ इस तरीके से बनेगा।
इस तरीके से पीवी डायग्राम बनेगा और द वैल्यू इज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पे मैं इसका टीएस डायग्राम भी बनाता हूं। टीएस डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरीके से, ओके 1, 2, 3, 4 ये पीवी डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम है और ये जनरल डायग्राम है जो आपको बताया था रेफ्रिजरेटर का, क्लियर है। तो यहां पे गाइस सबसे पहले अगर आप प्रोसेस 2 और 3 को ध्यान से देखो, प्रोसेस 2 और 3 से इवापोरेटर हो रहा है ना, इवापोरेटर हो रहा है मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब, रेफ्रिजरेंट जो है हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी फ्रूट्स वगैरह आप यहां रखे हो वो हीट को अपने अंदर रेफ्रिजरेंट जो है या चाहे एयर हो चाहे वेपर हो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस हो रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब में हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है देख लो, QA इज इक्वल टू हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, MCP प्रोसेस देखो 2 से 3 कहां है, 2 से 3 टेंपरेचर किसका ज्यादा है थर्ड पॉइंट पे, क्योंकि 2 से जो अंदर घुस रहा है उसका टेंपरेचर तो कम होगा ना इवापोरेटर में घुस रहा है, और जब बाहर निकलेगा तो हीट एब्जॉर्ब करके ज्यादा टेंपरेचर निकलेगा, जो ज्यादा टेंपरेचर वाला है उसको पहले लिखो, कम टेंपरेचर वाले को बाद लिखो। तो कोई पूछेगा कि ये लिक्विड की टेंपरेचर इतना है, क्लियर है, मास ऑफ लिक्विड इतना है और उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उस फ्लूइड की इतनी है और थर्ड पॉइंट पे टेम्परेचर इतना निकल रहा है, तो बताओ कि उसकी हीट कितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर मैं पूछूं पॉइंट फिर 4 से 1, पॉइंट 4 से 1 की बात करते हैं, पॉइंट 4 से 1 क्या हो रहा है गाइस, जो भी वो जो रेफ्रिजरेंट है जो भी अपने अंदर हीट यहां से इवापोरेटर से लिया था वो यहां पे रिजेक्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में, तो यहां पे इसको बोलते हैं हीट रिजेक्शन, है ना। तो आप इसको पीवी और टीएस डायग्राम में देखोगे तो 2 से 3 कहां है, 2 से 3 में रेफ्रिजरेटर में हीट ऐड होता है, क्या हो रहा है हीट ऐड होता है, और 4 से 1 में हीट हमारा एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट होता है, ठीक है। और ये कंप्रेसर 3 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं, कंप्रेसर है ना वर्क दे रहे हैं यहां पे, क्लियर है, ये आपको माइंड में इस ऐसे रख के चलना है। तो यहां पे बताइए हीट रिजेक्शन कितना निकल जाएगा, MCP, यहां पे ज्यादा टेम्परेचर T4 है, जब बाहर निकलेगा तो कम निकलेगा, तो T4 को पहले लिखेंगे और -T1 को लिखेंगे। तो ये हो गया QA, हीट एडिशन कितना हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में हीट कितना, रेफ्रिजरेंट जो है आपका एयर है चाहे वेपर है कितना हीट ऐड हो रहा है, और इसमें उसमें से कितना हीट निकल रहा है, ये दोनों आपने निकाल लिया। मैं पूछूं कि बताओ इस सिस्टम का वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ, तो क्या बताओगे कि जितना भी हीट रिजेक्ट हुआ माइनस जितना भी हीट एक्सेप्ट हुआ, क्लियर है। तो दोनों इक्वेशन को आप ऐसे लिखो और आप देखोगे कि MCP दोनों में कॉमन ले लो और आपका जो इक्वेशन बनेगा T4 - T1 - T3 - T2, ठीक है। तो ये आपका निकल गया इस सिस्टम का वर्क, क्लियर है। एक तो ये भी मेथड है, ये आपने हीट के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया वर्क डन, हीट के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकाल लिया। एफिशिएंसी कैसे निकालते हो, मतलब COP की बात करें, अभी हम COP का देखे थे, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें तो नीचे हमने वर्क डन निकला था क्योंकि हम वर्क दे रहे हैं, ऊपर Q2 निकालना था, तो वर्क डन तो गाइस हमने निकाल चुके हैं, अभी हमने निकाला वर्क डन की ये जो पूरी वैल्यू है आप पुट कीजिए, और Q2 मतलब Q2 क्या था, कितना हीट निकल रहा है, ठीक है, मतलब ये था Q2 क्या था, जो हीट निकल रहा है ना मतलब कितना रेफ्रिजरेंट हीट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कितना एक्सेप्ट कर रहा है दिस वैल्यू, ठीक है, हीट एडिशन, दिस इज हीट एडिशन, तो इस टू को हीट कितना हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में, क्लियर है, रेफ्रिजरेंट में। तो QA अपॉन W करोगे तो आपका रेफ्रिजरेशन की पूरी रेफ्रिजरेटर की COP निकल जाएगी, क्लियर है, ये एक तरीका है निकालने का COP। अब इसको ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते जाओगे, मैं आपको नहीं बता रहा हूं एक्सप्लेन करके, घबराओ मत, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब यहां से इसलिए बता दे रहा हूं, एक आध 2-4 न्यूमेरिकल मैंने देखा है। एक COP निकालने का और फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन का, आपको ऐसा दिखने का मिलेगा RP गामा -1 अपॉन गामा -1,
ये फॉर्मूला भी सीओपी निकालने का है, वेयर आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो, ठीक है, आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो, दैट इज P4 अपॉन P3, जो हमने बनाया था एट पॉइंट फोर पे और एट पॉइंट थ्री पे जो प्रेशर होगा वो, तो आरपी क्या है, प्रेशर रेशियो, P4 अपॉन P3, गामा की वैल्यू जनरल 1.4 रहता है, बट अगर आपकी रेफ्रिजरेशन का दिया हुआ है तो आप वो वैल्यू पुट करना, और इस तरीके से भी आप सीओपी निकाल सकते हो। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैंने फिगर आपके सामने बनाया उसी को हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिवर्स्ड ब्रिटन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, ब्रिटन साइकिल भी कहते हैं, और उसी को हम साइकिल जो मैंने इधर बनाया और जो फिगर बनाया, और इसी को हम लोग जूल साइकिल भी कहते हैं, जूल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछे एयर रेफरेंस सिस्टम को क्या कहते हैं, तो आप जूल साइकिल ऑप्शन आए तो आप कर सकते हो, रिवर्स ब्रिटन साइकिल भी आप, रिवर्स ब्रिटन साइकिल भी आप मार्क कर सकते हो। तो हम लोग अब लास्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, एयर रेफरेंस सिस्टम हमारा एक्चुअल में हो चुका है एंड, जनरली कुछ यहाँ पे था नहीं, जो ज्यादा चीजें हमने डिस्कस किया वो वेपर से रिलेटेड डिस्कस किया, आगे क्लियर हो जाएगा, बट एयर जस्ट एक नाम है, हम जैसे बता रहे एक रेफ्रिजरेंट की यहाँ पे पूरा सब कुछ सेम रहेगा, बस रेफ्रिजरेंट की जगह पे हम एयर डाल देंगे तो वो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन जाएगा, और रेफ्रिजरेंट की जगह पे हम कोई एयर के अलावा कोई फ्लूड दूसरा यूज करते हैं, दूसरा लिक्विड यूज करते हैं, तो हम उसको वेपर क्या वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का नाम दे देंगे, ठीक है। अब चीज लास्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, तो गाइस कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, आपको ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं है, बट आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, ऐसा फिगर आपने पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग टाइम में, यहां से एयरप्लेन मूव हो रहा था, यहां से एयर अंदर की ओर आता है, एयर अंदर की ओर आता है, क्लियर है, एयर यहाँ पे अंदर यहाँ पे लगा रहता है, आपका एक मेन कंप्रेसर, यहाँ पे मेन कंप्रेसर लगा होता है, और इसी मेन कंप्रेसर से कनेक्ट होता है गैस टरबाइन, ठीक है, दिस इज मेन कंप्रेसर ये होता है गैस टरबाइन, क्लियर है, यहाँ पे होता है हमारा इंजन, अभी जो एयर आया रैम एयर जिसको बोलते हैं रैम एयर, ठीक है, एयर जो हमारा उसके अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर गया, मेन कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करेगा और उसको सीधे भेजता है कहां, आगे की ओर, तो इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एयर चला जाता है इंजन में, इंजन को एयर चाहिए ना, और यहां से जो भी गैसेस निकलते हैं, जो भी इसका एग्जॉस्ट होने के बाद इंजन से फ्यूल बर्न होने के बाद जो भी गैस निकलेगा वो चला जाता है टर्बाइन में, उससे टर्बाइन रोटेट होता है और वही टर्बाइन हेल्प करता है मेन कंप्रेसर को रोटेट होने में, मेन कंप्रेसर को रोटेट होने में, इस तरीके से जो रैम एयर है इधर आएगा और ये रैम एयर चला जाता है किधर, एक हमारे हीट एक्सचेंजर में, ठीक है, दिस इज हीट एक्सचेंजर, ये रैम एयर चला जाएगा हीट एक्सचेंजर में, और ये हीट एक्सचेंजर में जो ये एयर है, ये एयर हीट एक्सचेंजर में जाने के बाद ठंडा होगा, और ठंडा कैसे फिर बाहर निकलेगा, ठंडा कैसे होगा, ये जो कुछ एयर है इस थोड़े से एयर को हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देते हैं, और इसको बाहर निकालने के लिए हम फैन वगैरह का यूज करते हैं, ताकि एयर, तो ये जो एयर अंदर आ रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद प्रेशर बढ़ा है, और प्रेशर बढ़ा है मतलब अब गैस जो एयर है वो रेडी है अपने अंदर से निकालने के लिए, अपने अंदर से हीट निकालने के लिए रेडी है, नॉर्मली अगर आप भेज दोगे तो अच्छे से अपने अंदर से हीट निकालेगा नहीं, बहुत कम अमाउंट में एक्टिव ही नहीं होगा, तो हम उसको मेन कंप्रेसर में डाल के कंप्रेस कर दिए एयर को, ताकि उसका प्रेशर बढ़ जाए, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो एयर बहुत ईजिली तरीके से अपने अंदर से हीट बाहर निकाल लेगा, तो जब प्रेशर बढ़ा वो एयर हीट एक्सचेंजर में आया, और नॉर्मल एयर को भी हमने फैन की हेल्प से इसमें से लिया, तो हीट एक्सचेंजर में ठंडा कौन कर रहा है, यही नॉर्मल एयर, और ठंडा क्या हो रहा है जो हमने किया, अब हीट एक्सचेंजर से जो हमारा रैम एयर निकलता है ये चला जाता है कहां पे, ये चला जाता है हमारा कूलिंग टरबाइन में, क्लियर है, जहां पे वो एक्सपेंड होता है एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, ये चला जाता है कूलिंग टरबाइन जिसको बोलते हैं, कूलिंग टरबाइन में जाता है और यहां पे रोटेट होता है, क्लियर है, और कूलिंग टरबाइन कैसे काम करता है, जो एयर हमने कूलिंग टरबाइन में जाने के बाद कूलिंग टरबाइन रोटेट होता है, तो इसी के हेल्प से हमारा ये फैन भी घूमता है, जिसके कारण ये एयर शक होके और यहाँ निकलता है, तो कूलिंग टरबाइन से ये फिर ड्राइवर के कैबिन में चला जाता है, तो देख रहे हो हमें यहाँ पे एयर को स्टोर करके रखना ही नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, अगर स्टोर करके रखना पड़ता तो इतना बड़ा एरोप्लेन में हम कैसे यूज करते। हम तो कोशिश करते हैं कि एरोप्लेन जो है हल्का से हल्का बनाए, और वहां पे अगर हम एयर यूज ना करें, वहां पे कोई फ्लूइड यूज करें, तो एक तो उसका इतना बड़ा एरोप्लेन को ठंडा करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट चाहिए हमको, तो हम कोई नॉर्मल लिक्विड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं कि भाई अगर आपका वेट नहीं बढ़ जाएगा एरोप्लेन का, एक तो इतने पैसेंजर्स हैं, उसके बाद इतना खुद का बॉडी वेट, उसके बाद रेफ्रिजरेंट का भी वेट, तो एफिशिएंसी आपकी एरोप्लेन की भी कम हो जाएगी, ठीक है, वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो नॉर्मल एयर मिलता है उसी एयर को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं पूरा ठंडा करने के लिए अपने एरोप्लेन का। क्लियर है? तो जस्ट एक छोटा सा ऐसा था, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं गाइस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, हमें पढ़ना ही नहीं है इससे ज्यादा कुछ भी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो गाइस एयर रेफ्रिजरेशन हम खत्म करने के बाद, एयर रेफ्रिजरेशन के थर्ड टॉपिक पढ़ने के बाद हम वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आते हैं। तो जो यहाँ पे हम जो रेफ्रिजरेंट का यूज करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे जो हम रेफ्रिजरेंट का यूज करने वाले हैं वो या तो हमारा अमोनिया होगा NH3, ठीक है, या तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा CO2, ठीक है, या तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2। जनरली ये सब रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं। बाद में धीरे धीरे आप जान रहे कि और डेवलप होने के बाद हम दो तीन ऐसे मिक्स करके R22, R221, R232 इस तरीके से अलग अलग हम रेफ्रिजरेंट यूज करने लगे। ओके गाइस, तो कुछ एडवांटेजेस हैं हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। एडवांटेजेस ये है कि स्मॉलर साइज ऑफ द गिवन कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है। अब हम क्योंकि एयर जो था हमारा, हम जान रहे थे कि ज्यादा अमाउंट उसकी स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है वो कम होती है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम होने के कारण ये कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाई। बट हम इन सब की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है। काफी ज्यादा होने के कारण ये स्पेस कम लेती है, पहली बात तो स्पेस कम लेती है, कम से कम स्पेस में हमारा ये अच्छा खासा रूम या घर या फ्रिज को अच्छे से काम कर देती है। दूसरा, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो भी कम होता है, ठीक है। थर्ड, इसको हम लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब हमें जितना चाहिए टेम्परेचर हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, जितना कम चाहिए टेम्परेचर उतने कम तक हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट हम चेंज करते जाएंगे, उतनी अच्छी ठंडा चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। जो COP होता है काफी अच्छा हमें मिलता है इस सब रेफ्रिजरेंट से, आपकी जो मशीन है उसकी COP बढ़ जाती है, और हमें यही तो चाहिए। कुछ डिसएडवांटेजेस है गाइस, डिसएडवांटेजेस की बात किया जाए तो डिसएडवांटेजेस के यहाँ पे जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है बनाने में, इनिशियल कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होने के कारण शुरू में तो दिक्कत होता है, बट बाद में हम आनंद लेते हैं। इसका जो लीकेज होता है वो बड़ा डेंजरस होता है गाइस।